हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक छोटे प्लाट के लिए एक न्यू नक्शा डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग प्लानिंग की है। ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों दो बेडरूम है, एक गेस्ट रूम है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर एक तीन बेडरूम का नक्शा बनेगा। दोस्तों इसकी प्लाट की साइज़, इसकी वेंटिलेशन, बेडरूम की साइज़ और अदर डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लाट की जो साइज़ है वो 20x30 फीट है, यानी 20 फीट आपको इसकी चौड़ाई मिल जाएगी इस डायरेक्शन में और 30 फीट आपको इसकी लंबाई मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों यह 600 स्क्वायर फीट का प्लाट है, लेकिन आप किसी भी छोटे प्लाट के लिए, नक्शे के लिए इससे आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए आगे इसकी अदर साइजेस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक मेन गेट 7 फीट का मिल जाएगा। आप यहां पे 7 फीट का एक मेन गेट लगा सकते हैं। यहां पे एंट्री करने के बाद आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाएगी, जिसकी साइजेस की बात कर लें तो 7 फीट इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 10 फीट 3 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी स्पेस है। यहां पर आप सेफ्टी टैंक, वाटर टैंक वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मेन डोर नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन 3 फीट का एक डोर है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस डोर के एंट्री करने के बाद आपको, इस डोर में एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर एक काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, हॉल मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस हॉल के सामने आपको एक डोर नज़र आ रहा होगा। इस डोर में एंट्री करने के बाद आपको एक यहाँ पर रूम मिल जाएगा, जिसकी साइज़ की बात कर लें तो इसका साइज़ हमने 9x10 फीट रखा हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस रूम के बाहर आने के बाद इसके पास में एक दूसरा डोर नज़र आ रहा होगा। ये दूसरा डोर आपको एक दूसरा बेडरूम मिल जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जिसकी साइज़ की बात कर लें तो इसका साइज़ भी सेम साइज़ हमने, दोनों रूम का साइज़ हमने सेम रखा हुआ है। इसका साइज़ भी हमने 9x10 फीट रखा हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस रूम में हमने एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। इसके बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पर एक तकरीबन 4.5 फीट चौड़ाई का एक ओपन किचन मिल जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस किचन के पास आप अपना डाइनिंग टेबल इजीली सेट कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिलेगा आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर इधर आते हैं तो आपको एक डोर नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 2.5 फीट का एक डोर होगा। तो यहाँ पर आपको एक अटैच लेट बाथ मिल जाएगा, जिसकी साइज़ की बात कर लें तो इसका साइज़ हमने 3.5x8 फीट रखा हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, और इसकी स्मेल वगैरह बाहर इजली निकल सके इसके लिए हमने एक वेंटिलेशन बाहर पोर्च की तरफ प्रोवाइड किया हुआ है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। फिर यहाँ पर आते हैं, ये आपको यहाँ पे एक डोर नज़र आ रहा होगा। इस डोर के बाद एंट्री करने के बाद आपको एक लिविंग रूम मिलेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी स्पेस है हमने लिविंग रूम में दिया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों जिसके साइज़ की बात कर लें तो इसका साइज़ 11x9.5 फीट है। ये देखते दोस्तों यहाँ पर आप अपना सोफ़ा वगैरह इजीली अरेंज कर सकते हैं, टीवी वगैरह लगा सकते हैं। इस लिविंग रूम के लिए हमने 2 एंट्रेंस दिया हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों एक बाहर की तरफ भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस लिविंग रूम में हमने एक विंडो प्रोवाइड किया हुआ है ताकि ताज़ी हवा रोशनी इजीली अंदर जा सके। ये देखते दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए दोस्तों हमने एक पोर्च में ही, बाहर पार्किंग एरिया में ही हमने स्टेयर प्रोवाइड किया हुआ है। देख सकते दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम का नक्शा बनेगा। ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये आपका स्लोप हो जाएगा ताकि बाइक वगैरह इजीली पार्क हो सके। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये 3D नक्शा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम अगली वीडियो में आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।